व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाउ इंडिया कॉज मालदीव्स मेल्टडाउन। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। द श्याम शर्मा शो चैनल से वीडियो है, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। भैया श्री राम जब भी वापस आते हैं वनवास से तो एक आइलैंड जला के ही आते हैं। जब अपना वनवास काट कर वो पहली बार वापस अयोध्या आए थे तो लंका जला कर आए थे। अब अपना 500 साल का वनवास काट कर जब वो 2024 में अयोध्या आ रहे हैं तो लगता है मालदीव्स भस्म होने वाला है। नॉट लिटरली लेकिन इकोनॉमिकली भस्म होने वाला है। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। Why are Indians boycotting their preferred holiday destination, Maldives? Maximum tourists heading to Maldives have been from India. Will this have an impact on the massive tourism industry there? A lot of celebrities have come out and expressed their views, some of course saying, go to Lakshadweep. The hashtag Explore Indian Islands, celebrities have urged Indians to pay visits to exotic locations within India and boost the prospects of Indian tourism. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जो इस हफ्ते निकली है, ये इसको जानते हैं। इंडिया की इतनी सारी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज मालदीव्स को बॉयकॉट करने की बात क्यों कर रहे हैं? मालदीव्स ने ऐसा किया क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। और ये एक और एग्जांपल है कि कैसे इंडिया अपनी हार्ड और सॉफ्ट पावर दोनों को बेहतर तरीके से जियोपॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना सीख रही है। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। देखिए, राम मंदिर बहुत जल्दी इनॉग्रेट होने वाला है, बहुत बड़ी बात है। और आपको अगर याद होगा तो एक साल पहले हमने दिवाली के मौके पर भगवान श्री राम और रामायण से इंस्पायर्ड कुछ मर्च निकाला था। मैं चाहता हूँ कि उस मर्च को आप चेकआउट करें, चाहे भगवान श्री राम का हो चाहे हनुमान जी का हो। अगर आपको वो मर्च पसंद है तो प्लीज जरूर उस मर्च को चेकआउट करें, श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करें और राम मंदिर के इनॉग्रेशन को सेलिब्रेट भी करें। तो देखिए, मालदीव्स जो है जिसकी पॉपुलेशन 5 बजे शाम में मुंबई लोकल ट्रेन से भी कम है, भारत को लात मारकर अपने देश से बाहर निकालना चाहता है। President elect of the Maldives, his entire election campaign in fact revolved around an India out campaign. India out to expel Indian soldiers from the Maldives. The campaign against India has been gaining traction in Mali. Hashtag India out. The government in the Maldives bans a campaign called India out. Anti-India campaign spread through the island nation. अरे भाई, ऐसा क्यों? क्या है इस नफरत के पीछे? तो आइए जरा मालदीव्स के बारे में जानते हैं। देखिए, मालदीव्स जो जनरली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के वेकेशन फोटोज के लिए जाना जाता है, वो एक आर्चिपेलागो है, यानी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो भारत के साउथ वेस्ट में इंडियन ओशन में पाया जाता है। इस आर्चिपेलागो के लार्जेस्ट आइलैंड का नाम है गान, जो इस समय मालदीव्स की लगी हुई है। मालदीव्स की हिस्ट्री ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स पुरानी है। मालदीव्स के पहले इनहेबिटेंट्स एक्चुअली गुजरात से सेल करके गए थे। इन्हें देवी के नाम से जाना जाता था। कुछ समय तक चोला किंग्स ने भी मालदीव्स पर राज किया था। मालदीव्स में एक एंशियंट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म यानी श्रावता प्रैक्टिस किया जाता था। महाराज अशोक के समय पर धीरे धीरे मालदीव्स में बुद्धिज्म भी फैलना शुरू हुआ, जब बुद्धिस्ट मंक्स यहाँ पर बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए आए। लेकिन 12th सेंचुरी में मालदीव्स में सिचुएशन चेंज होनी शुरू हुई। अरब ट्रेडर्स के साथ इस्लाम भी मालदीव्स में आया। एक अरब ट्रैवलर अबुल बरकत यूसुफ अल बरबारी ने मालदीव्स के राजा से इस्लाम कबूल करवाया। और एक बार राजा ने इस्लाम कबूल किया तो जिस तरह रोम में राजा के क्रिश्चियनिटी कबूल करने के बाद तेजी से क्रिश्चियनिटी फैली थी, उसी तरह मालदीव्स में राजा के इस्लाम कबूल करने के बाद तेजी से इस्लाम ने फैलना शुरू किया। और जैसा कि इब्राहिमिक रिलीजन्स के फैलने के समय होता है, तो मालदीव्स में भी नॉन मुस्लिम्स के साथ काफी बुरा बर्ताव हुआ। उन्हें मारा गया, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, उनके मंदिर और मॉनेस्ट्रीज को तोड़कर मॉस्क्स बनवाए गए। और फिर जिस तरह से औरी साहब हर एक बॉलीवुड पार्टी में पहुंच जाते हैं, उसी तरह से 18th-19th सेंचुरी में अंग्रेज भी बेसिकली हर एक देश में किसी ना किसी तरह से पहुंच रहे थे और वो मालदीव्स ही पहुंच गए। गॉड सेव किंग जॉर्ज, गॉड सेव जूजी जी। और फाइनली 1965 में ब्रिटिश रूल से मालदीव्स को आजादी मिली और उसके बाद मालदीव्स और इंडिया के बीच में काफी मजबूत दो तरफा रिलेशन शुरू हुए। इनफैक्ट इंडिया मालदीव्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने वाला पहले देशों में से एक था। चलिए भला है कि चाचा नेहरू उस समय पर नहीं थे, वरना क्या पता जबरदस्ती मालदीव्स को भी कश्मीर की तरफ पाकिस्तान को दान करने की कोशिश करते रहते। इंडिया और मालदीव्स के बीच की जो रिलेशनशिप थी वो और मजबूत तब हुई जब मोमून अब्दुल गयूम प्रेसिडेंट बने। उनका टेन्योर 1978 से शुरू हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इंडिया के कई दौरे किए और इंडिया ने भी ये रिलेशनशिप काफी अच्छे से निभाई है, क्योंकि मुश्किल वक्त में इंडिया हमेशा मालदीव्स के काम आया है। 1998 में जब श्रीलंकन बैक मिलिटेंट ग्रुप ने मालदीव्स में कू करने की कोशिश की, तब इंडिया ने मालदीव्स को डिफेंड किया था। इंडिया की मदद से 2004 के सुनामी में और माले वाटर क्राइसिस में भी इंडिया ने मदद करके बहुत पिवोटल रोल प्ले किया।
इनफैक्ट 2004 की जब सुनामी हुई थी तब 12 घंटे के अंदर अंदर मालदीव्स को भारत ने मदद पहुंचाई थी। 1988 से इंडिया और मालदीव्स का कोऑपरेशन डिफेंस में भी काफी गहरा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक इंडियन मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स जो मालदीव्स की आर्मी है उसकी लगभग 70% की डिफेंस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट इंडिया पूरी करता है और पिछले डेकेड में 1500 से भी ज्यादा मालदीवियन आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया है इंडिया के द्वारा। उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट एयर सर्वेलेंस एसेट्स भी मालदीव्स को इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं। इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी मालदीव्स के टूरिज्म इकोनॉमी को काफी मजबूती दी है और आज वो मालदीव्स का सबसे बड़ा बैंक है, इसीलिए तो मालदीव्स में भी लंच ब्रेक 2.5 घंटे का होता है। इंडिया की मदद मालदीव्स को हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत मिली है। 1988 there was an attempted coup by Maldivian businessman. President Gayoom called out to India for help. 1600 Indian troops there for Operation Cactus saw the Indian army arrive there within 12 hours and crushed the attempted coup. Drinking water is being brought into the Maldives from India. India has extended a $250 million loan to the Maldives government to deal with the economic impact of COVID-19. India was as always world's pharmacist. Defense cooperation is another key pillar of our partnership. We would be formally handing over to the chief of the defense forces the coastal radar system. India has always come to our rescue whenever we needed them. Maldives ke internal political dynamics mein kafi bada badlav aaya 2008 mein jab Mohammad Nasheed jo ki Maldives ke ek bade human rights aur pro democracy figure hain wo president bane the. Unke tenure mein India ke sath security cooperation badha jisme helicopters, Dornier aircraft aur patrol boats bhi India ne Maldives ko provide ki thi. Lekin 2012 mein Mohammad Nasheed ne apne pad se istifa de diya jab unke hi security forces ne Maldives mein coup karne ki koshish ki. Is incident ka bhi India se connection hai even though India का इसमें कोई हाथ नहीं था। 2009 के सार्क समिट के समय पर इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स की गवर्नमेंट को कुछ बहुत वैल्यूएबल मूर्तियां गिफ्ट की थी, लेकिन मालदीव्स के कुछ इस्लामिस्ट थे, उन्होंने इन मूर्तियों को तोड़ा और डिफेस किया था, और क्योंकि क्लियरली ये क्राइम है इसलिए प्रेसिडेंट नशीद ने इन लोगों को सजा सुनाई थी और जेल में डाला था, लेकिन मालदीव्स के एक सीनियर जज ने बेल पर इन क्रिमिनल्स को रिहा कर दिया था। इस वजह से नशीद और इस जज के बीच में टेंशन शुरू हो गई और फिर 2012 में मालदीव्स की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जज का और इस्लामिस्ट की साइड लेके मालदीव्स में एक कू करने की कोशिश की, जिसके बाद नशीद ने स्टेप डाउन किया और 2013 में इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए। 2013 में जो इलेक्शंस हुए उसमें अब्दुल्ला यमीन इलेक्ट हुए, जिसके बाद इंडिया मालदीव्स के बीच की जो रिलेशनशिप थी वो खराब होनी शुरू हुई और ये रिलेशनशिप और भी खराब 2015 के बाद होना शुरू हुई जब मोहम्मद नशीद को टेरर चार्जेस में जेल में डाल दिया गया और उनको इलेक्शन लड़ने से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यमीन के टेन्योर में मालदीव्स का चाइना की तरफ झुकाव शुरू हुआ, जिसमें चाइना के साथ मालदीव्स ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया और चाइना की तरफ से मालदीव्स में बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट शुरू हुई। इस बात से इंडिया बहुत खुश नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि यमीन जो था वो इंडिया आउट के एजेंडा पर प्रेसिडेंट बना था। इनफैक्ट इसको इतना प्रो चाइना माना जाता है कि इसको मीडिया में चाइनाज मैन इन मालदीव्स बोला जाता था। लेकिन आप तो जानते ही देखिए कि चाइना एक तरह से बरखा दत्त की तरह है। अगर आप बरखा दत्त के साथ फोटो खिंचवाएंगे तो इलेक्शन हारना तो तय है। उसी तरह अगर आप चाइना के साथ एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो डेट ट्रैप में फंसना तो तय है। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। और जिन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए चाइना ने लोन देना शुरू किया है मालदीव्स को, उससे मालदीव्स पर चाइना का जो डेट है वो $3.1 बिलियन हो गया है। और ये डेट इतना बड़ा और इतना प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि मालदीव्स की पूरी जीडीपी सिर्फ $6.5 बिलियन है। यमीन की प्रेसिडेंसी में इंडिया और मालदीव्स के बीच में रिलेशनशिप और तब भी खराब हुए जब यमीन ने मालदीव्स में इमरजेंसी सिचुएशन लगा दी और इंडिया ने इस बात पर ऑब्जेक्ट किया। लेकिन जो 2018 में इलेक्शंस हुए उसमें इंडिया के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट आया जब इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जीते, जिन्हें मोहम्मद नशीद का अलाई माना जाता था। सोलिह की प्रेसिडेंसी में इंडिया और मालदीव्स के बीच में नया कोऑपरेशन देखा गया, जिसमें $500 मिलियन का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और 2021 में उथुरु थिलाफालू प्रोजेक्ट शामिल है जो दोनों इंडिया के द्वारा फंडेड है। उथुरु थिलाफालू प्रोजेक्ट में इंडिया ने मालदीव्स के लिए एक कोस्ट गार्ड हार्बर बेस बनाने को प्रॉमिस किया। Under the current administration, India has committed considerable resources to the Maldives. A new bridge connecting Malé to several other islands is under construction, financed by the Indian government. India is much closer. They are in the neighborhood. लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से भी जो इंडिया आउट कैंपेन है वो दोबारा शुरू हो गया मालदीव्स में। मालदीव्स गवर्नमेंट की ऑपोजिशन ने ये आरोप लगाना शुरू किया कि मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है
वो इंडियन मिलिट्री पर्सनल को मालदीव्स में सेटल कर रही है और इंडिया जो है वो मालदीव्स गवर्नमेंट की मदद लेकर मालदीव्स में मिलिट्री प्रेजेंस बना रही है। इंडिया का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है और जो इंडिया के क्राफ्ट्स मालदीव्स में हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस और मेडिकल इवैल्यूएशंस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे सिर्फ। और जो 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं वो इन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए और मालदीव्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस में हेल्प करने के लिए हैं। लेकिन ऑपोजिशन ने इसका इस्तेमाल करके लोगों में बहुत शक और गुस्सा भड़काना शुरू किया। मोहम्मद मुइजू जो मालदीव्स के मेन ऑपोजिशन लीडर थे और यमीन के खास आदमी माने जाते थे, उन्होंने कहा कि अगर वो पावर में आए तो सारे इंडियन मिलिट्री पर्सनल को मालदीव से बाहर निकालेंगे और मालदीव्स की जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रही है उसको भी खत्म करेंगे। और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने यही किया। जनरली जब भी मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो उनका पहला फॉरेन दौरा हमेशा इंडिया होता है, लेकिन मुइजू ने इस ट्रेडिशन को तोड़ा और पहले फॉरेन दौरे के लिए टर्की को चूज किया। 2023 में मुइजू ने इंडिया को अपनी मिलिट्री के सारे पर्सनल भी वापस बुलाने को कहा। To allow any military presence in the Maldives. That's the reason. It happens to be from India. And that's why we are talking with the Indian government to remove them. And I'm sure we can. अब की बार कोई आ गया तेरे पीछे, किसको मदद के लिए बुलाएगा? So what they have done is they have bribed our politicians and they have made an inroad into Maldives, thus keeping their troops here. That's where the red line is drawn. I love India. I don't want their troops here. और मुइजू ने अनसरप्राइजिंगली चाइना के साथ रिलेशनशिप्स काफी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है। Notably in the geostrategic scheme of things, he comes to power on a strong pro-China and India out plank. और इस वजह से IMF के अनुसार मालदीव्स चाइना का लगभग 1.3 बिलियन डॉलर्स का कर्जदार है, जो कुल पब्लिक डेट का अराउंड 20% है। और अभी हाल में ही 7 जनवरी को मुइजू चाइना के बड़े दौरे पर गए थे, चाइना के इनविटेशन पर। तो ये है स्टोरी लाइन के कैसे मालदीव्स और इंडिया के बीच की जो रिलेशनशिप है अभी काफी शेकी है। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि मालदीव्स में इस्लामिज्म की भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। याद करिए कि 2022 में मालदीव्स में इस्लामिस्ट को खबर मिली कि माले के एक स्टेडियम में योगा किया जा रहा है, और क्योंकि इस्लामिस्ट इस प्रैक्टिस को नॉन इस्लामिक मानते हैं इसलिए उन्होंने इस स्टेडियम पर अटैक भी कर दिया था। तो मालदीव्स और इंडिया के बीच का जो ये टेंशन चल रहा है और जो मालदीव्स में इंडिया आउट का सेंटिमेंट चल रहा है, उसी के बैकड्रॉप में मोदी जी ने अनाउंस किया कि वो लक्षद्वीप का एक बड़ा दौरा करेंगे। और ये जो लेटेस्ट भसड़ है ये इस दौरे के बाद शुरू हुई। मिस्टर सिन्हा नाम का एक ट्विटर अकाउंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, ना कोई इलेक्टेड इंडियन ऑफिशियल है, एक प्रो बीजेपी अकाउंट माना जाते हैं। उन्होंने मोदी जी की लक्षद्वीप में एक फोटो ली, उसको लेकर ट्वीट किया कि भाई मालदीव में प्रो चाइना सरकार है तो इंडियंस को मालदीव जाने से अच्छा है कि लक्षद्वीप जाए और लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप की जाए। सज्जन ने यह भी क्लैरिफाई किया कि इनको मालदीव्स के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, मालदीव्स की सिर्फ प्रो चाइना गवर्नमेंट से दिक्कत है। लेकिन मालदीव्स के कुछ पॉलिटिशियंस और मालदीव्स की कुछ जनता एक रैंडम इंडियन के ट्वीट से इतना खुंदस खा के बैठ गई और उनका शुरू हो गया न्यूक्लियर मेल्टडाउन। मालदीव्स की एक मंत्री मैडम ने मोदी को क्लाउन बोल दिया, इजराइल का पपेट बोल दिया। एक दूसरे मिनिस्टर थे वो और तरह तरह की उल्टी सीधी बातें बोलने लगे इंडिया और मोदी के बारे में। कुछ प्रोमिनेंट सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मोदी को और इंडिया को अटैक करना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे मालदीव्स ने जिन्होंने मिनिस्टर्स को अटैक किया और जो लोग फालतू में इंडिया को अटैक कर रहे थे उनसे भी सवाल पूछा कि क्यों पंगा ले रहे हो फालतू में यार, मतलब एक रैंडम इंडियन ट्वीट कर रहा है उसको तुम इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्यों मान रहे हो? अगर मान लो किसी अमेरिकन ने कोई रेसिस्ट चीज बोल दी इंडिया के बारे में तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वही रेसिज्म अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। मालदीव्स के मिनिस्टर्स का अटैक इंडिया के लोग ऐसे ही शांति से लेने नहीं वाले थे। किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन इंडिया के अलग अलग बड़े बड़े पर्सनालिटीज अवेंजर्स की तरह आकर मालदीव्स के ऊपर टूट पड़े सोशल मीडिया पर। अक्षय कुमार लक्षद्वीप को प्रमोट करने लगे, सलमान भाई लक्षद्वीप को प्रमोट करने लगे, वीरेंद्र सहवाग लक्षद्वीप को प्रमोट करने लगे। अमिताभ बच्चन ने इतनी जल्दी प्रो इंडिया ट्वीट डाल दिया कि वो अपना ट्वीट नंबर भी नहीं कर पाए इस बार। जॉन इब्राहिम ने ट्वीट किया, आर माधवन ने ट्वीट किया, वरुण धवन ने ट्वीट किया, श्रद्धा कपूर ने ट्वीट किया। कुछ लोग तो इतना भावुक हो गए कि सीधे उठ के लक्षद्वीप भी पहुंच के छुट्टी मनाने के लिए। उनका लक्षद्वीप जाने का प्लान था या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बिजनेस की दुनिया से भी लोग इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आ गए। ईज माई ट्रिप के फाउंडर ने तो कहा कि भाई उन्होंने मालदीव्स की सारी फ्लाइट की बुकिंग ही बंद कर दी है। टाइटन कैपिटल के फाउंडर ने तो मालदीव्स को ओवररेटेड बोल दिया। वैक्सीन डेवलपर आदर पूनावाला ने भी लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने सोचा कि मालदीव्स का अगर कठी रहा है तो सिर्फ लक्षद्वीप को क्यों प्रमोट किया जाए, अपने अलग अलग स्टेट्स को भी प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। और मालदीव्स भी सोच रहा होगा कि यार बस बहुत हो गया। लेकिन नहीं, किसी ने तो लगता है स्पेशल फोर्सेस बुला ली। इस
इसराइल भी आ गया इंडिया को सपोर्ट करने के लिए और लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए, और तब से मालदीव्स की लगी पड़ी है। देखिए इंडियंस जो हैं वो सबसे बड़ा टूरिस्ट ग्रुप है 2023 में और 2022 में मालदीव्स जाने वाला, और जब से ये सारा फसाद शुरू हुआ है तब से बहुत सारे इंडियंस ने अपने मालदीव ट्रिप को कैंसिल करना शुरू किया है। और इसके रिस्पॉन्स में मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने डायरेक्टली ईज माई ट्रिप के सीईओ को लेटर लिखा है कि भैया प्लीज हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अपनी जो बुकिंग्स हैं मालदीव्स की जो बुकिंग्स हैं उनको कैंसिल मत करो। उसके साथ साथ नेशनल होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस एसोसिएशन ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ याट एजेंट्स एंड नेशनल बोटिंग एसोसिएशन ऑफ मालदीव्स ने भी स्टेटमेंट्स इशू किए हैं मालदीव्स के मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स को कंडेम करते हुए। मेक माई ट्रिप ने यह अनाउंस किया कि उनके वेबसाइट पर 3400% इंक्रीज हुआ है लक्षद्वीप टूर के सर्चेस का प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बाद से। तो मालदीव्स की गवर्नमेंट अब फाइनली रिएक्ट कर रही है, जिन तीन मिनिस्टर्स ने इंडिया को अटैक किया था उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है, सरकार ने अपने आप को उनके स्टेटमेंट से डिस्टेंस किया है। लेकिन यार मैं कहता हूँ इंडियन सोशल मीडिया से पंगा मत लिया करो, मीम्स बनने शुरू हो गए कि भाई मेरा दोस्त मालदीव्स जा रहा था, मैंने उसको साले को एयरपोर्ट पे ही पकड़ लिया, कि बेचारा सब्जेक्ट जो है वो कितने समय से कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा है। और ये मीम देखे जिसमें जो ये पुलिस वाले हैं ये बेसिकली मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया सर, हाफ माइंड है एकदम, साहब को भी नहीं पहचानता है, गलती हो गई साहब, आप ही भगवान है, माफ कर दीजिए साहब, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन देखिए भारत के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, भारत और किसी दूसरे देश के बीच में जब भी झगड़ा होता है तो भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूल्हे राजा के जॉनी लीवर बन जाते हैं, हमेशा दुश्मन को सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग बैठ के मालदीव्स की जीडीपी पर कैपिटा को इंडिया से कंपेयर करके इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। अबे बेटा 10 साल में ये देश ही अंडर वाटर होने वाला है तो जीडीपी का क्या गोलगप्पा बनाएंगे। सागरिका घोष कह रही है कि भाई मालदीव्स लक्षद्वीप से कहीं ज्यादा अच्छा है। द हिंदू न्यूज़पेपर की सुहासिनी हैदर कहती हैं कि भाई क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एमईए मालदीव्स के इकोनॉमिक बॉयकॉट को सपोर्ट करते हैं। अरे मैडम सारी लड़ाई सोशल मीडिया पे चल रही है, गवर्नमेंट के किसी आदमी ने कुछ बोला ही नहीं है, सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं, बिजनेस वर्ल्ड के लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के से लेना देना ही क्या है। मालदीव्स के लिए तो पटना का सोनू विथ 2GB जियो का प्लान वही काफी है। अतुल खत्री साहब जो लगता है BDSM के बहुत शौकीन है, जब तक सोशल मीडिया पे गालियां और पिटाई नहीं खा जाते तब तक लगता है उनकी ठरक नहीं मिटती है। उन्होंने भी लिख दिया कि भैया इलेक्शन के समय पे ही इनको लक्षद्वीप याद आता है। हाँ भैया आप तो जैसे पिछले 10 साल से टैक्सी चला रहे थे लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, और दुग्गल साहब तो प्रो मैक्स के लेवल पे पहुंच गए। हाँ चलिए इंडिया अच्छा है, हम चाहते हैं कि लक्षद्वीप डेवलप हो, लोगों की इनकम बढ़े, लेकिन रिजॉर्ट मत बनाओ यार। देखिए आप लोग एक बात को जरा समझिए, कोई चीज होगी ही होगी उसकी सबसे बड़ी गारंटी ये है कि अगर दुग्गल साहब उस चीज को अपोज करें। दुग्गल साहब ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपोज किया और उसकी खिल्ली उड़ाई थी, आप देखिए एब्रोगेशन हो गया। दुग्गल साहब ने राम मंदिर को अपोज किया और राम मंदिर की खिल्ली उड़ाई थी, आप देखिए राम मंदिर बन गया। अब वो लक्षद्वीप में टूरिज्म और डेवलपमेंट को अपोज कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा से इंडिया का सबसे बढ़िया लग्जरी रिजॉर्ट लक्षद्वीप में ही बनेगा। कुछ लोग हैं जो क्योंकि इंडियंस बॉयकॉट करने का सोच रहे हैं मालदीव्स को, तो उनको रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तानियों को बुला रहे हैं। हाँ नहीं सही बात है, एक ऐसा देश जिनके लोगों के पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है, चड्डी खरीदने के पैसे नहीं है, गधे बेचकर बहु बेटियां बेचकर पेट पालना पड़ रहा है, वो लाखों रुपए खर्च करके मालदीव्स में एक्सपेंसिव वेकेशन मनाने के लिए आएंगे, है ना। सही बात है बिल्कुल। देखिए लेकिन अगर बिग पिक्चर को भी देखें तो देखकर लगता है कि मालदीव्स कहीं शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म में अपनी कंट्री को डुबा तो नहीं रहे हैं। देखिए भारत जो है वो जनरली अपने नेबर्स को और अपने एलाइज को मदद करता है, और चाइना जो है वो देशों को ट्रैप में फंसाता है। आप श्रीलंका को देख लीजिए, किस तरह से श्रीलंका के पोर्ट पर उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने श्रीलंका को लोन दे देकर राजपक्ष इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करवाया। ये एयरपोर्ट 209 मिलियन डॉलर्स में डेवलप किया गया है, जिसमें 190 मिलियन चाइना से आए हैं, और ये एयरपोर्ट हम्बनतोटा के एरिया में बनाया गया है जहां की पॉपुलेशन काफी गरीब है और वो एरिया बहुत रूरल है, तो वहां पर इतना फैंसी एयरपोर्ट बनाने की क्या जरूरत थी। और एज एक्सपेक्टेड फ्लाइट की डिमांड वहां पर बहुत लो है, इसलिए ये एयरपोर्ट भी बंद हो गया है और श्रीलंका पर डेट बढ़ता ही जा रहा है। इस एयरपोर्ट को वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर प्रोजेक्ट्स माना जाता है और इसे वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बुलाया जाता है। द कोर्ट रिपोर्ट सेज मातला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज इनकर्ड अ टोटल लॉस ऑफ 1546.8 मिलियन रुपीस विद इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2016।
This is an average of 8.4 million rupees in losses a day. Pakistan ke saath bhi China ne yahi kiya hai. Pakistan jo debt China ko owe karta hai, wo Pakistan ka 6% GDP hai almost. Yahan pe bhi China ne loan de dekar China Pakistan economic corridor banane ka promise kiya tha aur kaha tha ki bhaiya is corridor se to Pakistan super power ban jayega. But observers say CPEC has not turned Pakistan's economy around. And now Islamabad owes nearly one-third of its overwhelming external debt to Beijing. हालत ऐसी है कि एम्बेसी बेचनी पड़ रही है देश को. अफ्रीका के साथ भी यही हालत की है चाइना ने. अलग-अलग देशों को डेट ट्रैप में फंसाया है. उनके जो इंपॉर्टेंट माइंस हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, उन पर कब्जा किया है. उसके कंपैरिजन में आप इंडिया को देखिए. इंडिया अपने पड़ोसियों को और अपने एलाइज को मदद करता है. श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी उसके जवाब में ग्रेन्स प्रोवाइड किए हैं और काफी एड में पैसे भी प्रोवाइड किए हैं. बांग्लादेश को भी हाल में ही मदद की है अपने इलेक्शंस को सेफली कंडक्ट. पाकिस्तान तो दुश्मन देश है लेकिन जब वहां पर भी अर्थक्वेक आया था, जब वहां पर भी फ्लड्स आए थे, तब इंडिया ने बहुत सपोर्ट दिया था उनको. इसके बावजूद कि इंडिया में कई लोग ऐसे थे जो ना खुश थे इस बात से कि इंडिया क्यों एड प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को. तो मालदीव इस समय काफी एक सेंसिटिव सिचुएशन में है. अगर लक्षद्वीप डेवलप हो जाता है एज अ टूरिज्म हब और इंडिया के लोग मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना शुरू कर देते हैं तो मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हिट मिलेगा. क्या जो इंडिया के टूरिस्ट मालदीव खो रहा है वो किसी और देश से, खासकर चाइना से, वो नंबर्स वो मेकअप कर पाएंगे, ये हम नहीं जानते. ये मालदीव के लोग भी नहीं जानते. लेकिन आप देखिए कि इस सिचुएशन पे काफी स्ट्रांगली इंडिया ने रिएक्ट किया है. और अब इंडिया सिर्फ अपनी हार्ड पॉलिटिकल पावर ही नहीं लेकिन अपनी सिविल सोसाइटी की, बिजनेस के लोगों के, जो बॉलीवुड के लोग हैं उनका सॉफ्ट पावर भी अपने इंटरेस्ट के फेवर में काफी इंटरेस्टिंगली यूज कर रहा है. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये सवाल कि आपके मुताबिक इंडिया को मालदीव के खिलाफ या मालदीव को वापस अपनी तरफ लाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्या इंडिया को मालदीव से और दुश्मनी करनी चाहिए और इकोनॉमिक बॉयकॉट करना चाहिए या कुछ स्टेप्स लेना चाहिए कि मालदीव से वापस दोस्ती की जा सके? नीचे कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताएं. बाकी गाइस, शाम शर्मा शो का पॉडकास्ट अगर आपने देखो, चाइना का पैटर्न तो सेम है. जो सबको कर्जा देगा कहेगा तुम्हें डेवलप कर देंगे हम. देखना वो जब कर्जा देता है ना, वो कर्जा कभी भी ऐसे नहीं देता कि इसको मतलब कंट्री के डेवलपमेंट में कहीं यूज किया जाए, कभी भी नहीं. वो बहुत तरीके से देता है कि जो उसका कर्जा है. अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक तरीके से चाइना का ही समझ लो, जो मालदीव में है. पता है क्या, वो ऐसे में क्योंकि आइडियाज भी खुद देता है, जैसे वो एयरपोर्ट हो गया कि पैसे मैं लगाऊंगा ये, और डूबता कौन है वो देश अभी देखो. बट ये तो है, देखो पाकिस्तान तो गधे बेच देता है, शादी करा देता है अपने वहां पे, वो चाइना भी करा देता है अपनी लड़कियों की शादी. चलो शादी का एक बार को मान ले मालदीव में, तुम्हारे पास तो गधे भी नहीं है कि गधे बेच के. नहीं, एक सोचने वाली बात ये है कि अगर लक्षद्वीप बहुत बड़े डेवलप हो गया आगे जाके तो इंडिया का टूरिज्म तो वहां गया. बाहर का भी वही आएगा फिर भैया. हाँ, कितने उसने बोला भी है इंडिया. और कोई तो प्लान बना के आएगा भैया, राम मंदिर भी घूमेंगे, लक्षद्वीप भी जाएंगे. इस तरीके से यार ये क्या मतलब कि भाई भाई मालदीव, मालदीवियंस तुमने ऐसी गवर्नमेंट क्यों इलेक्ट करी जो कि मतलब 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल थे वहां पर, जो कि रेस्क्यू मिशन हो कुछ हो उसकी मदद करने के लिए, सर्विसिंग के लिए, कि प्लेन्स की इन सभी सर्विस उस चीज के लिए थे. उसने बोला इमरान खान ने इंडिया से ट्रेड बंद किया था, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, देश बंद हो गया, एंड में जाके खुद भी बंद होके बैठ गया. मतलब समझ चाइना ये नहीं समझ रहे, ये चाइना इनको भैया वो कहते हैं ना कि ऐसे नींबू की तरह निचोड़ लेगा, ये समझ नहीं रहे भैया. अपना नुकसान कर रहे हैं खुद. और जब तक ये समझेंगे ना, मुझे तो लगता है ये नहीं, क्या नहीं अब तू समझ. मैं बताता हूँ चाल, चाइना ने क्या करा, चाइना ने इससे बात करी होगी, ऐसे से बोल दे, ऐसे से कर दे, वो बोल रहा होगा भाई लेकिन हमारे देश तो वो दिक्कत आ जाएगी. कह रहा तू कोई टेंशन ले रहा है, तेरे 4-5 साल है ना, 4-5 साल तू ये सब कर, तेरी झोली हम भर देंगे, तेरे को हम कहीं और सेटल करवा देंगे, देश की तुझे क्यों टेंशन, तू तो 5 साल अपने लेके मौज. तो ये एंड ऑफ द डे भैया यहाँ पर दिखता है कि वो अपने देश से ज्यादा नहीं. और एक चीज देखना, मैंने एक चीज देखा है, जो बहुत ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज ऐसे करती है ना कि हम तो मतलब जैसे पाक हो गया, मालदीव्स हो गया, कि हम तो इस्लाम, ये इस्लाम, वो इस्लाम, फलाना ढिमकाना, कंट्रीज की बात कर रही हूँ ठीक है. एक चीज देखिए, जैसे पाकिस्तान कहता है हमारा तो इस्लाम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ठेकेदार बन जाता है ना बिल्कुल. लेकिन गोदी में किसकी बैठते हैं? चाइना. जो इस्लाम को बिल्कुल पैरों के नीचे रौंदता है, जो मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट पता है वहाँ पे क्या है, मस्जिद वहाँ पे सारी तोड़ी है, दाढ़ी नहीं रख सकते आप, फॉलो नहीं कर सकते, वहाँ पे बैन है. और वहाँ जो बड़े बड़े होटल्स है ना, उसमें जो कालीन होते हैं जिन पे पैर रखे जाते हैं फुट में, उस पे वो लिखा हुआ है पैसे का, बोलते बंद हो जाते हैं ना बस. फिर मीम्स बहुत वायरल हो रहे हैं, ये चीज़ तो है भाई. बहुत बढ़िया एपिसोड था, 20 मिनट का पता भी लगा, मज़ा आ गया. लेकिन और आप लोग भी समझ गए होंगे भैया क्या पूरा मामला है, अगर अब भी डिटेल में समझा. और इंडिया ने कितनी बार मदद करी, लेकिन वो कई बार कहते हैं ना कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो इनकी अभी बुद्धि
इनकी वो चल रही है अभी रेस्ट पे। एक उसमें क्या बोला था कि इंडिया में तो चलो ये आइलैंड जो है इसके अलावा भी जैसे बहुत कुछ है, मालदीव तो सिर्फ एक आइलैंड है, आज भी नहीं कुछ साल बाद डूब जाएगा पूरा ही पानी में चल जाएगा, फिर क्या करोगे उस जीडीपी का, क्या करोगे इतने उसका। स्विमिंग कर रहे हैं, वेरी गुड, मिलते हैं आपसे कपड़ों के साथ, बाय बाय, टेक केयर।